मिगनून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक जो यहाँ पे सवाल उठता है, बड़े दिन बाद नवाज शरीफ साहब मंजर आम पर आए, इससे पहले जैसे कि अशफाक भी कह रहे थे, ये खबरें थी कि मुल्क से बाहर चले जाएंगे। जाहिर है हमें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर नून लीग का स्टांस क्या है, लेकिन मियाँ साहब जब बार बार ये कहते हैं कि जी एक शख्स जो दिन रात मुल्क की खिदमत कर रहा था उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, तो वो जो पुराने जख्म है मियाँ साहब के वो अभी तक भरे नहीं, गो के नून लीग अब हुकूमत में है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब हुकूमत चला रही हैं, पंजाब की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब वजीर अजम हैं, तो ऐसे क्या गिले शिकवे हैं जो दूर किए जा सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए? हम सब की बतौर आवाम यादाश्त जो है वो धुंधली हो जाती है। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान के जो चार बड़े मसले थे उस वक्त ही बड़े धरने हुए, आपको मालूम है 126 दिन का धरना हुआ, इस्लामाबाद पर बार बार इसी जमात जो आज हमलावर है इसी ने हम पर हमले किए, उसके बावजूद उन चार सालों में मियां नवाज शरीफ ने कौम को लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, महंगाई और कराची की टारगेट किलिंग से निजात दिलाई। ये उनका काम है कि तमाम तर जो सियासी इंतशार था उसके बावजूद उन्होंने ये चार बड़े मसले उठाई थी और कौम को सी पैक इंट्रोड्यूस कराया जो आज तक उसका पाकिस्तान जो है फायदा उठा रहा है। तो लिहाजा वो सवाल उनका जो असल में इस आज की तमाम जो सियासी गुफ्तगू है उसका किबला दुरुस्त करने के लिए कि क्या हम पाकिस्तान की तरक्की पर क्यों नहीं बात कर रहे, या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान एक दूसरे के सूबे को बेहतर तरक्की देने का मुकाबला क्यों नहीं हो रहा, बेहतर सेहत देने का मुकाबला क्यों नहीं हो रहा, हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी तालीम बेहतर करने का मुकाबला क्यों नहीं हो रहा, कि हम ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छी प्राइमरी स्कूलिंग जो है सरकार प्राप्त, यहाँ एक अजीब गरीब पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो डिग्रेड हो गया है कि हम हमला करेंगे और एक सूबे के वज़ीर आला जो है वो धमकी देते हैं कि वो लश्कर लेकर एक और सूबे की जेल तोड़ेंगे। अच्छा। और उस जेल से जो है वो अपने कैदी को बाहर निकालेंगे, वो धमकी देते हैं कि मैं लश्कर लेके एक और सूबे के दारुल खिलाफे पर जाऊंगा, उसकी खातून वज़ीर आला को धमकियां देते हैं, खातून साफियों के बारे में इंतहाई नाजेबंद गुफ्तगू करते हैं। असल तो मियां नवाज शरीफ का जो कोशिश है वो यही है कि हमारा जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो उस इस इशू पर होना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल जो है वो अपने रस्ते से हट चुके हैं। मैं खुर्रम साहब यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए ना कि मेरे लिए जब ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट आई थी ना कि जो पाकिस्तानी अदलिया में 22 लाख केसेस जेर समात हैं, जेर इल्तवा हैं, और उसके बाद जब डिटेल्स आई तो पता चला कि तकरीबन जो है वो 90% केसेस जो है लोअर जुडिशरी में है, तो मुझे ये लग रहा था कि जिस तरीके से आपने तस्करा किया और अभी आपके हाथ में इख्तियार भी है तो आप लोग पहले तथहीर का अमल जो है वो नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि लोअर जुडिशरी में जुडिशल स्टाफ के जो मामलात हैं वो सब आपका भी वास्ता पड़ता होगा कभी कभी, तो वहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी के साथ जो सलूक होता है तो मुझे लगता था कि तथहीर का अमल नीचे से शुरू होकर फिर ऊपर तक जाएगा और फिर चीज़ें सॉर्ट की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह तरमीम लाई गई किसी को मुसवदा दिखाए बगैर, आई एम श्योर कि आपकी नज़र से भी नहीं गुजरा होगा उस वक्त मुसवदा जब ये बिल वो नंबर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर ये आप लोगों के पास इख्तियार था, आप तो कर सकते थे, ये आपने क्यों दूसरा रास्ता चुना? एक तो ये कि उस एपिसोड से हमने अब सबक सीखा है और हम पूरा कंसेंसस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद ये तरमीम होगी। लेकिन दूसरा जो एक हम सब के सामने एक हर गुजरता वक्त जो है सबक भी देता है, सबक ये है कि 2009 में अदलिया की बहाली की तहरीक के बाद अदलिया को जो पहले से ज्यादा खुद मुख्तारी मिली उसने अपने अंदर जो खुद मुख्तारी इस्तेमाल करते हुए बजाय ये कि मैं असेंबली में बैठकर कहूं कि जजों के साथ इस तरह उनकी जजमेंट होनी चाहिए, अदलिया ने अपने अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की, यानी हाई कोर्ट्स ने सेशन कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं की, सेशन कोर्ट्स ने सिविल कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट्स के ऊपर की नजर नहीं रखी कि वहां किस क्वालिटी के फैसले आ रहे हैं और हाई कोर्ट किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसीलिए अब ये फिर हमारे सामने चौड़ते हैं कि क्या हम क्या सूबाई असेंबलियां जो हैं
और वो लोअर जुडिशरी के ऊपर अपना एक हाथ रखें कि नहीं जी इनको इस तरह जज किया जाएगा, इसी में कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट से ये मामला दूर किया जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर आपने जिस नंबर का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 60,000 केसेस चल रही है, 35,000 सिविल डिस्प्यूट्स हैं, तकरीबन कोई 25,000 से 26,000 जो है अपील है, और 1,000 से भी कम ये सारे आईनी जो मामलात हैं। और हमने ये भी देखा है जिसकी जो एक वजह बनी है कि हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा वक्त जो है वो आईनी केसेस पर सर्व हो रहा है, और वो जो असल सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो नीचे से आने वाली अपील्स का फैसला करना है, वो ये आईनी केसेस नहीं है। बहरहाल वी अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, इसके अंदर एक नुक्ता नजर सर, एक नुक्ता नजर सर ये है, एक नुक्ता नजर सर ये है कि देखिए या तो सियासतदान जो है वो काम कर रहे होते जो कि मिसाली होता, मैं इन द सेंस बात कर रहा हूँ कि नैब का इदारा एक बनाया गया जिसके अंदर जाहिर है कंसेंसस के साथ आप चेयरमैन साहब को लेके आते हैं वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन बज़ाहिर। अब उसके अंदर देखिए कि उस नैब के महकमे की कारकर्दगी क्या रही, क्या रिकवरी हुई जिन लोगों को पकड़ा गया या जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, बाद में पता चलता है कि वो महकमा भी महज सियासी इंतकाम के लिए यूज़ होता रहा, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए वो फिर बाहर आए और फिर पता चला कि केसेस बोगस थे, उनको प्रूव नहीं किया जा सका, जिस मकसद के लिए महकमा कायम किया गया था उससे लगता है कि सियासी इंतकाम ज़्यादा लिया जाता रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये पैमाने जो आप लोगों ने सेट किए थे सियासतदानों के वहाँ से जो अगर मुबैना करप्शन के नाम पर जो इल्ज़ाम अरबों रुपये के लगाए जाते थे क्या वसूली हुई, कि आप नजर अदलिया पर है पहले अपनी तथहीर करें फिर उधर जाएं। इसीलिए तो देखिए ना, अगर आप ये नोट करें ये बड़े एक लतीफा हुआ है नैब कवानीन के, हमने नैब कवानीन में तरमीम की और तरमीम जो थी ये पिछली हुकूमत पीडीएम की थी वो एन उन अदालती फैसलों के मुताबिक थी जो इतने सालों से अदालत ऑब्जर्वेशन दे रही थी कि नैब लॉ में ये सुकम है ये सुकम है यहाँ ये बुनियादी हकूक से क्लैश कर रहा है। उसके बाद जब तरमीम हो गई तो फिर एक जमात ने उसके ऊपर एतराज किया कि नहीं ये तो देखें ये सियासतदान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फिर जब अदालत आलिया ने उस तरमीम को की तौसीक कर दी तो फिर वही सियासी जमात जिसने उन तरमीम को चैलेंज किया था वो बानी चेयरमैन लाइन में सबसे आगे आ रहे कि जनाब मुझे इसका फायदा पहुंचाया जाए और मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। तो यस सियासतदानों के जो कॉन्डक्ट है उसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, और मैं तो जाती तौर पर इसका कायल हूँ कि नैब का इदारा जो है वो चीज, लेकिन हर चीज एक तजर्बा भी तो है, तो हमको तजर्बा नाकाम होंगे तो हमें उसको खत्म करके जो अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है आपकी मौजूदगी का एक फायदा उठा के मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आईनी तरमीम है जब बिलावल ये कहते हैं कि 25 अक्टूबर गुजर गई तो उसके बाद मुश्किलात हो जाएंगी आईनी तरमीम में, आपका भी यही कहना है क्या 25 अक्टूबर की डेट मैटर करती है और चीफ जस्टिस का रहना मैटर करता है आप लोगों के लिए सारी सूरत हाल में? जी नहीं, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि वो अब इतना मैटर नहीं करता, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो भी बड़े ऑनरेबल शख्स हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव जस्टिस चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, लेकिन अहम बात यह है कि इस बात का अब तयन होना है इस आईनी तरमीम के तहत कि पार्लियामान खुद मुख्तार है और पार्लियामान को यह हक हासिल है कि वो दूसरे इदारों के मामलात के बारे में कानून साजी करें। ये कहना है कि हर कानून साजी अदलिया के बारे में है वो अदलिया की खिदमतकारी पर कर लाना ये दुरुस्त नहीं है, अदलिया की खिदमतकारी अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन वो खुद मुख्तारी उतनी ही है, और ये आईन में 3 दफा लिखा है कि अदलिया के पास उतना ही परव्यू है उतनी ही अथॉरिटी और पावर है जितनी आईन और कानून उसको देता है। इसका मतलब जो कानून जहां भी कानून का लफ्ज आएगा सिर्फ पार्लियामान की दी अथॉरिटी के तहत अदलिया ने अपना काम करना है, और हमारी यही तवक्कु है कि इस तरमीम के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में बेहतरी आएगी, और अगर हम ये देखेंगे कि इसमें एक मूवमेंट हुई है अवाम की जो पेंडिंग अपील है 60,000 अपील है उनमें कमी आ रही है तो फिर ऐसी लेजिस्लेशन जो है वो नेशनल लेवल पर प्रोविंशियल लेवल तक भी जा सकती है कि हर कोर्ट के लेवल पर
पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए और ये जो प्रोसीजर हैं उनको बेहतर किया जाए। आई एम श्योर के बेहतरी आएगी सर, वो भी उसमें कि तरमीम जो आप ला रहे हैं उसका मुसविदा आप सब भी देख लेंगे, बजाय इसके कि बगैर देखे ही नंबर शुमारी के लिए चला जाएगा। मैं अशफाक साहब कहना चाहता हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहता है, कानून साजी का जो पहला संजीदा स्टेप है वो तब आएगा जब ये मुसविदा काबीना के सामने पेश होकर मंजूर होगा, उससे पहले सिर्फ प्यास लड़ाई है। ठीक ठीक है ठीक।